सो गाइज़ मेरे पास तुम हो एपिसोड नंबर 21 दिस इज़ पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे जो दानिश भाई हैं महविश को माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना है, एंड अभी आगे और मज़ीद क्या आने वाला है क्या होगा वो भी देखना है। वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस, सो लेट्स सी क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। दानिश की टी शर्ट मस्त है, 2003 की है, पुरानी है, लिखा हुआ है that brand has been established in 2000 since 2000। हाथ से खाने में जो मजा है ना, चावल पुलाव बिरयानी, वो अंग्रेजों जैसे चम्मच से नहीं है जो अंग्रेजी झाड़ते हैं ना बहुत सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के दो दो चम्मच के साथ थल्ले बैठ के। जब वो शादी किसी और से करे पर याद किसी और को करती है। मैं तो भाई नीचे बैठ के खाता हूँ, मेरे को ना बहुत पसंद नीचे बैठ के खाना। क्या बोलती है उस पर? अरे नहीं, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे मरमटने पे प्यार आ जाता है मुझे। बस तो हाथ से खा लेना। अम्मी कहती थी जब लड़की किसी का नाम बार बार लेकर कहे कि उसको बुरा लगता है तो असल में उसको अच्छा लगने लगता है, और फिर जब तुम जैसी कहे कि बाकी बचता क्या है तो एक्चुअली यही जानना चाहती है वो कि बाकी कुछ बचा तो है ना। भाई इसके क्या डायलॉग्स है ना, ये डेंजर बोलती है बहुत। ड्रामा, ये ड्रामे के हर किसी के डायलॉग मस्त है। एक्टर अच्छी है। वो पीछे कौन है? वो शेवड़िया है, शेहवार था ना। हाँ वही है, वो आना नहीं खाता अंदर। शर्मा गए, आओ प्लीज आओ ना। छूट गया आगे अच्छे से। मुझे लगा ये वापस नहीं दिखेगा अभी, मुझे भी लगा गया। आवाज लगाओ। माहम के घर पे आया है महविश को, दीवान साहब को। अच्छा दीवान साहब हमेशा घर में आते ही तुम उन्हें आवाज लगाया करते। दीवान साहब, दीवान साहब। वो तो आए नहीं। वो नहीं आएंगे, उनकी बीवी को बुखार है, कह रहे थे रात वहीं गुजारूंगा। लेकिन तुम वापस आए हो तो मैंने सोचा तुम्हारी प्राइड तुम्हें वापस कर दूं। कोई आए ना आए तुम पुकारते रहे। सच बताओ मुझ पे प्यार आ गया या रहम आ गया? आओ बताती, मजा आएगी अभी। आओ ना। बोले 50 लाख महीने के बेचता था मेरे को ये। क्या बैठो बैठो ना प्लीज। तुम्हारे मर्द होने पे एतबार आ गया है। मेरी मामा कहती थी औरत और मर्द को जोड़ों में बनाया है उसने, किसी एक से टूट जाओ तो दूसरे से जुड़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा तुमसे टूटकर भी किसी और मर्द से जुड़ना है तो तुम बुरे हो। बजाओ ना। सुना है एक रात महविश के लिए तुमने खूब पियानो बजाया था, देर तक उसके साथ नाचते भी रहे थे। आज वही धुन बजाओ ना। भूल जाओ ना महविश को। तुम भूल गए हो क्या? भूल गया हूँ माँ। झूठ, याद करो उसे ताकि भूल सको। किसी को भूलने के लिए उसे याद करना पड़ता है। बजाओ वही धुन, उसे भूल जाने के लिए मिलके दोनों उसे याद करते हैं। किसी को भूल जाने के लिए उसको याद करना जरूरी है। ये थोड़ा थोड़ा अजय देवगन जैसा लगता है ना शेहवार, है ना? देखना सच में थोड़ा थोड़ा। क्या मतलब रंग था, रूप था इसका। अभी देखो क्या रंग रूप हो गया इसका, महविश का है। अभी भी डांस करेगी महविश जैसे। ये परेशान हो रहा है, भाई मेरे साथ क्या खेल खेल रही है, मेरे को फिर से तो नहीं अंदर कर देगी। बहुत डरता है ना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या तुम्हारे साथ डांस कर? डांस नहीं, हवालात के पिंजरे से आजाद होकर निकलना, खोई हुई चीजों का दोबारा मिल जाना। सच बताऊं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। तुम उसके साथ यूरोप भी गए थे? 2.5 महीने तुम गैर की बाहों में झूलते रहे हो, पराई औरत के नशे में झूमते रहे। डांस के बाद माफी मांग लूंगा। नहीं, अभी नहीं, कुछ सालों बाद मांगना माफी। अभी तुम नए ताल्लुक के नए प्रोबेशन पे। किसी दिन तुम्हें जाते हुए आवाज दे के बुलाऊंगी, कहूंगी मैंने तुम्हें माफ कर दिया शहवार। फिर से शहवार ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन बन गए हो। प्रोबेशन पूरी होने तक तुम हमारे चेयरमैन नहीं रहे। कल से तुम उसी कमरे की उसी कुर्सी पे बैठा करोगे जहां तुम्हें दिल लगा के काम करते हुए मैंने देखा था, और देख के दिल दे दिया था तुम्हें। महविश को ऐसे भूल गया, ये ऐसे। मैं उससे डरने लगा हूं महविश। वो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। महविश, दूसरी बात है, डिवोर्स को 2 लोगों की नाराजगी समझ कर कह रहा है कि आप दोनों सुलह क्यों नहीं कर लेते। हाँ, तो तुम सुलह क्यों नहीं कर लेते? मान क्यों नहीं लेते उसकी बात? अच्छा चलो, झूठ मूठ की सलाह कर लो। घर के किसी कोने में रहने की जगह दे दो मुझे। हम उसको दिखाने के लिए साथ खाना खा लेंगे, खिला देंगे और दिखा देंगे कि हम बिछड़े नहीं हैं। तब तक वो इतना बड़ा हो जाएगा कि डिवोर्स के मायने समझने लगेगा। शायद खुद ही कह दे, तुम दोनों साथ क्यों रहते हो? तुम सुन रहे हो ना? वो समझ भी गया तो कभी नहीं कहेगा कि साथ क्यों रह रहे हो। चलो वो ना भी कहे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। तुम गए हो? तुम छोड़कर जाने की बात कर रही हो ना, इसलिए। मैं तो आता है ना छोड़कर जाना। काश तुम फिर ये बात करो और सुनकर मेरी जान निकल जाए। देखो मेरी आंखों में आंसू आ गए और तुम्हारे लिए रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं है। मोहब्बत की डोरी वफा के धागे अगर टूट जाए तो जुड़ते नहीं है। थैंक यू पापा। थैंक यू किस बात का? स्कूल छोड़ने आए हो आप आफ्टर अ मंथ। सुधर जाओ बॉय, अब मैं रोज आया करूंगा। मैं ये बोला ना आप सुधर गए हो। जाओ बाय बाय पापा। बाय। दरवाजा बंद करो। हाय टीचर। टीचर चलो ड्राइवर। अरे दानिश भाई आगे गाड़ी चला रहे मस्त, हमारे पीछे ड्राइवर साहब। क्या बात है। पापा आप रोज आया करेंगे, अब पहले पापा ड्राइवर के साथ में भीड़ दीजिए। Your classroom? आप नाराज हो मेरे से? Of course not. तो हाथ क्यों छोड़ दिया? दिस इज नॉट माई क्लासरूम। Oh, I'm sorry. See you. See you. हाँ अतीरा, देखा उसको? किसको? दानिश भाई को। देखा उसको। Don't be cheap. Cheap क्यों? He knows you, you know him. लेकिन तुम ना मुझे जानती हो ना उसे। वैसे हाय बोल दिया था मैंने और वेव भी कर दिया था। Thank God. Thank God? What? Polar bear. Polar bear is the most endangered animal. Do you know which one is the second most endangered animal? Roomi, are you here? No, I'm not. भाई, I'm sorry. कोई प्रॉब्लम है? Yes, but I'm thinking about the solution. यू Yeah. क्लास के बाद सोचना। Okay, fine, teacher. हाँ तुम्हें क्या कह रही थी? इतनी आप प्यारी कह रही थी कि polar bear is most endangered animal. करेक्ट। सो So guys, ये था हमारा रिएक्शन ऑन मेरे पास तुम हो। बहुत बेहतरीन एपिसोड था। महम और शहवार दोबारा दिखे, मुझे लगा चले गए अभी नहीं दिखेंगे, बट शहवार को माफ़ कर दिया उसने, चेयरमैन बना दिया दोबारा से। एंड शहवार की शक्ल तो भाई भिखारी लग रहा था कसम से। भाई उसके साथ मेरे को लगा वो ड्राइवर है कोई, उसके साथ खड़ा ना पहली बार, पहली नज़र में पसंद नहीं है। मैं बोला बाहर ही रह गया वो, अंदर आ गई माम। ड्राइवर वाइवर होगा, मैं बोला काम करने वाला कुछ होगा, कोई बोझ वीज उठाने वाला। तो भाई ध्यान से देखा तो भाई शेवार निकला। एक तो हाइट ज़्यादा है ना महम की, और तगड़ी भी है थोड़ी, और अपना शेवार थोड़ा सा सुकड़ू है। एंड देखते हैं भाई आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। महविश को माफ़ करेगा कि नहीं, यही सवाल हमेशा गूंजता है मेरे दिल की गहराइयों में। तो चलिए गाइस देखते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।